जहां सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचाया नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग अब हो रही है। इसी मांग को लेकर याचिका लगाई गई, सुनवाई आज इस पर है। एसआईटी से जांच कराने की मांग है। नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दाखिल हुई थी ये याचिका, और देश के किसी एक दो हिस्से से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से वो स्टूडेंट जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया और फिर अब धांधली की आशंका है, वो भी और उनके पेरेंट्स भी अब चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर। और साथ ही साथ अब मांग हो रही है रीनीट की, यानी कि कह रहे हैं नीट की परीक्षा जो है वो दोबारा होनी चाहिए क्योंकि इसमें धांधली पूरी तरह से हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 बच्चे नंबर वन रैंक हासिल कर लें? साथ ही वो पूछ रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है 718 और 719 नंबर छात्रों के आ जाए, जबकि जो तरीका होता है वो ये कि सही नंबर है, सही क्वेश्चन है तो 4 नंबर, और अगर गलत क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने तो नेगेटिव मार्किंग में 5 नंबर कटते हैं। ऐसे में कैसे 718 या फिर 719 नंबर आ सकते हैं? आगे जो बड़ी खबर है नीट परीक्षा से जुड़ी हुई है। नीट परीक्षा के विरोध में छात्रों में जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है। कई शहरों में छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली, वाराणसी से लेकर मुंबई तक ये प्रोटेस्ट हो रहा है। 5 मई को नीट परीक्षा में धांधली का आरोप है, और इसी धांधली के चलते जब जो रिजल्ट है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो छात्र जो है वो सड़कों पर आ गए, और उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, छात्र सड़कों पर आ गए हैं, आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, सुनवाई है, कितने बजे है? देखिए, 24 लाख परिवार जो हैं देश के, उनकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट आज तकरीबन 11:30 से 12 बजे के करीब इस मामले की सुनवाई करेगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग नीट की तैयारी करने वाले छात्रों की तरफ से। तब में मांग कॉमन है कि पहला, 5 मई को जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए। दूसरा, 4 जून को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसे रद्द किया जाए। तीसरा, 4 जून के रिजल्ट के आधार पर जो काउंसलिंग हो सकती है उसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। और चौथा, इस मामले में यानी नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो ये 4 अहम मांगे हैं जो छात्रों की तरफ से उठाई गई हैं। अब हम ग्राउंड्स पर आ जाते हैं कि छात्रों ने अपनी दलील में क्या कहा है। छात्रों की पहली दलील ये है कि जो ग्रेस मार्किंग दी गई, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा नीट में हुआ है जो रिजल्ट एनटीए ने घोषित किया है कि छात्रों को 418 419 अंक आए, जिसको लेकर एनटीए ने ये कहा कि हमने ग्रेस मार्किंग दी। छात्रों का सवाल यह है कि ग्रेस मार्किंग कितनी दी। दूसरा सवाल यह है कि ग्रेस मार्किंग का पैमाना क्या था। तीसरा सवाल यह है कि केवल 4 राज्य यानी छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के छात्रों को ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई। पांचवा सवाल कि ग्रेस मार्किंग पिछले साल क्यों नहीं दी गई, 2022 में क्यों नहीं दी गई, 2023 में क्यों नहीं दी गई। छठा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर ग्रेस मार्किंग दी गई है वो फैसला ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, ना कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए, फिर ऑफलाइन एग्जाम में ये ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई। आठवां सवाल, हरियाणा के झज्जर के एक संस्थान से यानी एक सेंटर से 8 बच्चे जो थे वो 720 अंक लेकर उन्होंने हासिल किया, यानी पहला जो स्थान है 720 उन्होंने हासिल किया। उनके रोल नंबर 62 से लेकर 68 के बीच में है, आखिर ये कैसे संभव है। नौवा सवाल कि इस बार नीट में 67 बच्चों ने 720 अंक कैसे हासिल किए। दसवां सवाल, पिछले अगर हम 2 सालों की तुलना करें तो 2022 में 615 नंबर पर और 2023 में 610 नंबर पर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते थे वो मिल जाते थे, लेकिन इस बार की जो कट ऑफ गई है वो 650 अंकों पर भी बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगी। बच्चों ने बड़ा साफ कहा है कि इस देश में कुल 1 लाख के करीब जो मेडिकल की जो सीटें हैं वो हैं, 40,000 सरकारी में आएंगी जिसमें आयुष आएगा, MBBS आएगा और डेंटल आएगा। रचना, आप ही जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकारी अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, MBBS वहां से करते हैं और प्राइवेट करते हैं तो फर्क कितना आ जाएगा। सरकारी में 50,000 से लेकर 5,000 तक 5 सालों के कोर्स का है, प्राइवेट की बात करें तो 70 से 80 लाख से लेकर ये 2 से 2.5 करोड़ जाता है। तो एक आम आदमी, आम नागरिक का जो परिवार है वो उठाना ये संभव ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है वहां पढ़ा पाए। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो छात्रों की तरफ से रखी गई है। एक इसमें और कैच है रचना, वो कैच ये है कि देश के 3 अलग अलग अदालतों में नीट की परीक्षा को रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल हुई है।
पहली दिल्ली हाई कोर्ट, दूसरी कलकत्ता हाई कोर्ट और तीसरी जबलपुर हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने एनटीए से जवाब मांगा है, जिस पर सुनवाई गुरुवार को होगी और एनटीए को अपना पक्ष रखना होगा। अब आज सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या किसी एक हाई कोर्ट में ही इन सभी मामलों को ट्रांसफर कर दिया जाए, केवल एक हाई कोर्ट पूरे इन सभी मामलों की सुनवाई करे, या फिर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनको ट्रांसफर करके अपने पास बुला ले और सभी मामलों की सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट करे। तो मुझे लगता मामला ऐसा है आशीष कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जरिए नहीं बल्कि अभिभावक भी अब सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है और नीट का एग्जाम ऐसे नहीं है कि एक दो दिन तैयारी कर ली और बस जाकर एग्जाम दे दिया। लोगों को सालों तक लग जाते हैं इसे क्लियर करने में और लोग खुद को बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्जाम दिया है। आपने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अब इसको लेकर भी आगे रुख तय किया जाएगा कि कहाँ क्या सभी याचिकाओं को मिलाकर एक ही तरफ इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि आज जब सुनवाई होगी कितना पॉसिबल है आशीष कि आगे के लिए कोई डेट मिल जाए या फिर क्या आज डिसाइसिव मोड में रहेगा कोर्ट, क्योंकि वो बच्चे जो आगे नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी निगाहें और उनकी निगाहें जो रीनीट की मांग कर रहे हैं यानी कि दोबारा एग्जाम। नहीं देखिए, आज की जो सुनवाई है उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं की जाए, यानी पिटीशन जो है उसे एडमिट किया जाए फॉर हियरिंग और नॉट। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है तो एनटीए को नोटिस जारी करेगा, लेकिन जब इस तरह के बड़े मामलों की सुनवाई होती है तो वहां पर एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से वकील पहले ही मौजूद रहते हैं जो अदालत को इस बात की जानकारी देते हैं कि मिलावट इस तरह के जो मामले हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में दाखिल किए गए हैं और उसमें पहले से नोटिस जारी किया जा चुका है। ये सारी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में या तो फिर केंद्र या एनटीए या पिटिशनर को लाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट से कोई तथ्य नहीं छिपा सकते कि नहीं हम पहले बार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले की पहली बार सुनवाई कर रहा है, तो उन तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या कोई हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की सुनवाई करे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनवाई के बाद आज की जो सुनवाई होगी उससे इस पूरे मामले की रूपरेखा तय हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा रचना कि आज पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट पर रोक लगा देगा, यह संभव ही नहीं है, यह संभव सा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन हां सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी यह जरूर तय। लेकिन निगाहें देश भर के स्टूडेंट्स की हैं, उन परिवारों की हैं जहां से बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दिया है। नजर आप रखिएगा 11:30 से 12 बजे के बीच का वक्त आपने बताया आशीष, आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा आपके जरिए। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र